गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ यार मैं आज आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन का पाथ लेके, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भैया माइक्रोसॉफ्ट ने सन 2019 यानी कि इसी साल क्या क्या नए सर्टिफिकेशन अपने लॉन्च किए हैं, बिकॉज उसने पुराने कोड जो थे वो सब एक्सपायर कर दिए हैं और नए कोड लॉन्च किए हैं मार्केट में, जिसके बारे में बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं और आपको कन्फ्यूजन है कि यार हमें कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, जो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपको पता है मैं सारी चीजें बोर्ड पे ही बताता हूँ, राइट, ताकि आपको भी मजा आता है और कुछ यूनिक लगता है, ऐसा लगता है कि आप क्लासरूम में बैठे हैं। तो यार ये जो सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट ने निकाले हैं, नो डाउट उसने AWS से टक्कर लेने के लिए निकाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर आप उनके नाम पे भी गौर करें तो वो पहले से बहुत अलग है और AWS से बहुत मिलते जुलते हैं। जैसे कि AWS का पहले से आता था एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट लेवल भी उनका, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट उनका आता है, डेवऑप्स उनका आता है, उसी तरीके से यहां पे इसने सॉल्यूशन आर्किटेक्ट निकाला है, डेवऑप्स निकाला है, इवन डेवलपर एसोसिएट निकाला है जो एज्योर AWS का आता है। तो बहुत सारे इन्होंने जो कंपैरिजन थे वो AWS से करके अपने सर्टिफिकेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। पहले बड़ा कंफ्यूजिंग था, समझने में मुश्किल था, नाम बड़े अलग थे, अब इन्होंने नाम भी हूबहू AWS के जैसे दे दिए हैं, यानी एज्योर पूरी पूरी प्लानिंग कर चुका है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है AWS को टक्कर देने की, राइट। तो इन्होंने जो सर्टिफिकेशन निकाला है, नो डाउट एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा इजी कर दिया इन्होंने कुछ जगह पे और कुछ जगह पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी कर दिया है, राइट। लेकिन मैं बता दूं, जो लोग बिगनर हैं, जो क्लाउड में एंटर करना चाहते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री में हैं, स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर हैं, भैया आपके लिए सिर्फ एक ही कोड रिकमेंड करूंगा और वो है AZ103, राइट। मेरी ऑलरेडी जो सीरीज है 70533 जो पुराना कोड था उसके और इसके कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी मेरे ट्यूटोरियल्स हैं वो ऑलमोस्ट इसी कंटेंट से रिलेटेड हैं, राइट, क्योंकि इन्होंने सिर्फ नाम चेंज किया, ऑलमोस्ट जो कंटेंट है इसका वो सेम है, थोड़ा उलट फेर है, तो आप मेरी जो सीरीज है वो टेंशन फ्री देख सकते हैं, आपको इस वाले कोड को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अब मैं ट्रैक की बात करूं तो इन्होंने तीनों के लिए ही जो एक ऑप्शनल एग्जाम रखा है वो रखा है AZ900, दैट इज फंडामेंटल, एज्योर फंडामेंटल के नाम से है, लेकिन ये एग्जाम ऑप्शनल है, इसको आपको इन सर्टिफिकेशन को देने के लिए जरूरी नहीं है कि ये देना आपने पहले से क्लियर किया हो, आप डायरेक्ट AZ10 दे सकते हैं, भले ही आप फ्रेशर हैं, भले ही आप IT या टेलीकॉम इंडस्ट्री में हैं, आप डायरेक्ट AZ103 दे सकते हैं, इसी तरीके से आप डायरेक्ट AZ203 का एग्जाम भी दे सकते हैं, और इसी तरीके से आप डायरेक्ट AZ300 का एग्जाम भी दे सकते हैं। ये एक ऑप्शनल है, बट ये आपको एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, अगर बिल्कुल नॉलेज आपको नहीं है तो आप ये एग्जाम देकर अपनी स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं कि मैं थोड़ा बहुत एज्योर जान पाया हूं या नहीं, बट अगर आपको बेसिक नॉलेज है नेटवर्किंग की, क्लाउड की, तो ये देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इन तीनों में से कोई भी एक ट्रैक चुन सकते हैं। मैं एक बात और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सारे आपको करने हैं, आपको एक ट्रैक चुनना है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो जनरली जो सवाल मेरे पास कमेंट्स में आते हैं कि सर हम अगर प्रोग्रामिंग नहीं जानते, हमारी अगर प्रोग्रामिंग या लैंग्वेज हमें नहीं आती, सी लैंग्वेज, जावा, पाइथन या किसी तरीके की सॉफ्टवेयर लैंग्वेज मुझे नहीं आती है, तो क्या फिर भी मैं कोई क्लाउड पे जा सकता हूं? जी हाँ, AZ103 स्पेशली आप समझिए कि उन्हीं लोगों के लिए है जो लैंग्वेजेस नहीं जानते हैं, जो सॉफ्टवेयर में नए हैं या IT फील्ड में नए हैं, उनके लिए AZ103 इज बेस्ट, राइट। अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं, जावा पे आपकी अच्छी कमांड है, तकरीबन एक साल का आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, डेवऑप्स पे आप थोड़ा बहुत काम कर चुके हैं या माइक्रो सर्विसेज पे आप थोड़ा बहुत काम कर चुके हैं, ऐप डिप्लॉयमेंट आप जानते हैं, तब ही आप इन एग्जाम्स के बारे में सोचें, अदरवाइज इनको आप इतना इजीली क्रैक नहीं कर सकते। बिगनर लेवल पे 103 इज गुड, यहां से आप अपना फंडामेंटल बना सकते हैं। कोई भी बंदा जो एज्योर सीखना चाहता है, आई विल रिकमेंड कि भैया आप यहां से शुरुआत करें, देन गो फर्दर, राइट। उसके बाद आप कोई 400 करें या उसके बाद आप 301 या 300 करें, वो एक अलग चीज है, बट अगर आप फंडामेंटल एज्योर के सीखना चाहते हैं तो 103 से आप शुरुआत कर सकते हैं। तीनों में डिफरेंस यही है कि AZ103 के अंदर जो फंडामेंटल सर्विसेज हैं, जिसमें आपकी वर्चुअल नेटवर्क आते हैं, वर्चुअल मशीन आती हैं, स्टोरेज आती हैं, वो समझाया जाता है। इवन अगर मैं 203 की बात करूं तो यहां भी कुछ पार्ट उसका है, बट यहां पर ऐप डेवलपमेंट और ऐप डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है, और यहां पर भी, राइट। अब ट्रैक को एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शनल है,
मैं इमेजिन करके चलता हूँ, आप ऑप्शनल एग्जाम नहीं देते, तो आपने AZ-103 दिया, AZ-103 के बाद आप अगला एग्जाम देंगे AZ-400। यहाँ पर ये दोनों एरो आगे जाके मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 203 देने के बाद भी आप 400 दे सकते हैं, 103 देने के बाद भी 400 दे सकते हैं, यानी दोनों का एग्जाम कॉमन है। बट 400 देने के लिए या तो आप ये वाला एग्जाम आपका क्वालिफाइड होना चाहिए या ये वाला एग्जाम आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, कोई एक एग्जाम अगर आपका क्वालिफाइड है तब ही आप AZ-400 का एग्जाम दे सकते हैं, राइट। यहां पे दोनों के ट्रैक अलग नहीं है जैसा कि AWS में होता है, यहां आगे जाके दोनों का ट्रैक कॉमन है, यानी 103 देकर भी आप 400 ही दे पाएंगे और 203 देकर भी आप 400 ही दे पाएंगे। 400 इज Azure DevOps इंजीनियर एक्सपर्ट, जो ये मानता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट की नॉलेज भी है और डेवलपर लेवल की नॉलेज भी है, जो AWS डेवलपर एसोसिएट लेवल होता है आपको उसकी नॉलेज भी है। इन दोनों के बाद अगर इन दोनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेशन आपने किया है तो आप 400 देके DevOps इंजीनियर एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके अलावा एक अलग ट्रैक उन्होंने निकाला है, दैट इज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल है, ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल है, उसके बाद ये एक्सपर्ट लेवल है, राइट। यहां पर अगर हम बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट लेवल है, ये डेवलपर एसोसिएट लेवल है और ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल है। बट इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये AWS के सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जैसा है, बिकॉज यहां और उसके कंटेंट में बहुत फर्क है। वहां पे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल में ऐप डिप्लॉयमेंट इतना ज्यादा नहीं है, कोडिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, है काफी हद तक मतलब बेसिक्स नॉलेज की जरूरत है, बट यहां बहुत डीप नॉलेज की आपको जरूरत पड़ेगी, राइट। बहुत अच्छी कमांड आपकी होनी चाहिए इन दोनों एग्जाम्स को देने के लिए। हालांकि ये थोड़ा सा इजी लेवल है, एसोसिएट लेवल है, तो यहां बेसिक बातें चलेंगी, बट यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहां पर भी अगेन आपको दो एग्जाम देने हैं, जैसे यहां दो एग्जाम देके आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, 103 और 400 देके, या 203 और 400 का एग्जाम देके आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। यहां पर भी 300 और 301 दोनों एग्जाम्स को देकर आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एक्सपर्ट बन सकते हैं। समझ आ रही है बात? अगर आप खाली AZ-300 का एग्जाम देते हैं तब भी आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट कहलाएंगे, राइट, और ये अपने आप में एक अच्छा सर्टिफिकेशन है आज की डेट में। अगर उसके बाद आप 301 भी दे देते हो तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे, यानी इन दोनों एग्जाम को देने के बाद आप एक्सपर्ट बन जाते हो। बट इसके लिए मैंने बताया तकरीबन 1 से 2 साल की इंडस्ट्री की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए या डेवलपमेंट में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके बारे में सोचें। सभी की फीस की अगर मैं बात करूं तो सबकी फीस कॉमन है, $165, राइट, $165 का ये एग्जाम है, $165 की बात हो रही है, सारे एग्जाम $165 के हैं। सिर्फ AZ-900 जो है इसकी कीमत है $99, इसके अलावा सभी एक अलग अलग एग्जाम, सबकी फीस अलग है, इसकी फीस अलग जाएगी, इसकी अलग जाएगी, राइट। तो आई होप सर्टिफिकेशन ट्रैक आपको समझ आ गया होगा। दिस इज द न्यू सर्टिफिकेशन ट्रैक जो एज्योर ने जून 2019 में लॉन्च किया है। इससे सारे पुराने कोड अब एक्सपायर हो चुके हैं, इवन ट्रांजिशन वाले कोड भी अब एक्सपायर हो चुके हैं। अब आपके पास जो नए कोड हैं वो ये हैं और आपको अपनी प्रिपरेशन इसी के अकॉर्डिंग करनी है। बिगनर्स के लिए AZ-103 इज बेस्ट, मेरी ऑलरेडी सीरीज अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की, जिसमें मैंने इसी के कंटेंट कवर किए हैं। वहां पे पुराना कोड मैंने कई जगह क्लासेस में लिखा है, अपने बोर्ड पे मेरे नजर आएगा 70533, बट कंटेंट वो सेम है, वही कंटेंट आपको यहां भी पढ़ने को मिलेगा, राइट। तो आप वो प्रिपरेशन मेरे अगले लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में देख के कर सकते हैं। और आई होप इससे भी आपको एक आइडिया मिला होगा एज्योर में अपना कैरियर बनाने का। और जो लोग फ्रेशर हैं या टेलीकॉम इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं या किसी और फील्ड से क्लाउड में आना चाहते हैं, आप आ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। इसके लिए कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है कि आपको पहले से बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, नेटवर्किंग के मास्टर या CCNA ने किया हुआ होना चाहिए, जो कुछ भी मेरे चैनल पे है आप सिर्फ उस पे फोकस करें। अगर आपकी नेटवर्किंग वीक है तो पहले मेरे नेटवर्किंग के जो वीडियो है प्लेलिस्ट में जाके उन्हें पढ़ें, उसके बाद किसी भी एक क्लाउड को पसंद कर लें। Azure भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है और AWS भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप यकीन मानिए आपको एक भी टॉपिक में मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा और किसी भी e-learning platform पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Udemy, Lynda, Linux Academy या Coursera, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हिंदी और उर्दू जबान में पढ़ाने के लिए मैं मौजूद हूँ। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, नए नए टॉपिक्स को सीखते रहिए। नया सर्टिफिकेशन ट्रैक मैंने आपको बता दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करिए। आई होप बहुत जल्दी आप क्लाउड सर्टिफाइड हो पाएंगे। चलिए, ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।